सो मैं आप लोगों को, मैं कई बार मैं रिकमेंड करता रहता हूँ अपने वीडियोस में कि आप लोगों को अपने बाइक में कोई चीज़ आप लोगों को अपने बाइक में डलवानी चाहिए या फिर नहीं डलवानी चाहिए। एक जो चीज़ है वो आप लोगों को अपने बाइक में ज़रूर डलवानी चाहिए है ना, वो चीज़ है बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट। अब ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली ये आप लोग मतलब मेरे कई वीडियो में सुनते होंगे कि मैं हमेशा जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ। सो ये जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है जिसको मैं रिकमेंड करता रहता हूँ, इस ऑयल ट्रीटमेंट का काम क्या होता है, इसका मतलब वर्क क्या होता है, ये एक्चुअल में कैसे मतलब इसको बाइक में यूज़ किया जाता है, बाइक में इसको कैसे डाला जाता है ना, और मतलब इससे आप लोगों को जो है वो क्या क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलता है और क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को भी अगर ये अगर सारे डाउट्स है तो आज की वाली वीडियो जो है वो पूरी देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट जो है ये क्या होता है ना, इसको कैसे इसको बाइक में डाला जाता है, कैसे काम करता है और क्या बेनिफिट जो है वो आप लोगों को ऑयल ट्रीटमेंट से देखने के लिए मिलता है। सो चलो गाइज लेट स्टार्ट द वीडियो। सो ऑयल ट्रीटमेंट को अगर आप लोगों को मेरे से उससे उसकी अगर डेफिनेशन पूछोगे कि ऑयल ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली एक टाइप की एक लुब्रिकेशन जेल होता है। मतलब ऑयल ट्रीटमेंट आप लोगों के बाइक के इंजन को जो है वो स्मूथ करने का काम करता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा बेटर माइलेज, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है ना, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमों का जो है वो निवारण कर पाए। तो ऑयल ट्रीटमेंट का बेसिकली ये जो है ये काम होता है, ये लुब्रिकेशन आप लोगों के बाइक के इंजन में प्रोवाइड करता है ना। जैसे कि अगर आप लोगों के बाइक के क्लचेस में, आप लोगों के बाइक के जो जो गियर्स होते हैं उसमें, आप लोगों के बाइक के ट्रांसमिशन में है ना, इन सारे चीज़ों में मतलब प्रॉपर आप लोगों के बाइक के ओवरऑल इंजन में ये जो है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब कोई भी मोटरसाइकिल है वो अगर मतलब वो स्मूथ अगर चलेगी है ना, उसमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम या फिर जर्क वर्क अगर उसमें अगर नहीं आएगा, तब मतलब वो वाली जो बाइक है ना वो उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा बेटर माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है उस वाली बाइक में से। और भी मतलब जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम या फिर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो है ना ये मतलब उड़न छू हो जाती है इस चीज़ को डालने से है ना। ऑब्वियसली यार, अब मतलब कोई भी बाइक जो है वो अगर स्मूथ चलेगी, इसका मतलब यही है कि भाई वो उस वाले बाइक से आप लोगों को जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली लुब्रिकेशन जेल होता है जो आप लोगों के बाइक के इंजन ऑयल में जाता है ना, ये मतलब इसका मोटा मोटा इसका काम होता है। लेकिन अब ये ऑयल ट्रीटमेंट को बेसिकली बाइक में इसको डाला कब जाता है और मतलब कैसे इसको जो है वो बाइक में डाला जाता है, इसका इसको यूज़ जो है उसको कैसे किया जाता है। देखो भाई, जो ऑयल ट्रीटमेंट होता है ना, ये जो है ये जाता है आप लोगों के बाइक के इंजन ऑयल के साथ आप लोगों के बाइक के इंजन में। अब इंजन ऑयल जहाँ से डलता है, इंजन ऑयल बेसिकली आप लोगों के बाइक के इंजन के आसपास जो है वो एक छोटा सा कैप होता है ना, वहाँ से मतलब आप लोगों के बाइक का जो इंजन ऑयल है वो आप लोगों के बाइक के इंजन में से जाता है, वहीं से ही उसी जगह से बेसिकली आप लोगों के बाइक का जो ऑयल ट्रीटमेंट है ये भी मतलब आप लोगों के बाइक में से वहीं से ही जो है वो जाता है। बेसिकली इसको जो डालने का जो प्रोसेस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आप लोगों को अगर इसको अगर अपने बाइक में डालना है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बेसिकली इस वाले इंजन ऑयल को जो है वो आप लोगों को किसी भी नए इंजन ऑयल के साथ जो है वो आप लोगों को यूज़ करना है ना। मतलब जैसे अगर आप लोगों को अपने बाइक की अगर सर्विसिंग करा रहे हो, तो सर्विसिंग कराने के समय बेसिकली जब इंजन ऑयल जब चेंज होता है ना, तो उसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट भी जो है वो आप लोगों को डालना रहता है ना, जिससे कि मतलब उसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा मतलब सॉलिड पड़ता है आप लोगों की बाइक में है ना, और आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है रेदर देन कोई पुराने इंजन ऑयल के कंपैरिजन में है ना। आप डेफिनेटली अगर आप लोग अगर नए इंजन ऑयल के साथ अगर इसको डालोगे तो ये ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा है ना किसी पुराने इंजन ऑयल के कंपैरिजन में, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यार, अब जो पुराना वाला जो इंजन ऑयल होता है वो मतलब थोड़ा सा घिस घिस जाता है ना, घिस किया जाता है, उसके अंदर जो है वो गंदगी ज़्यादा चली जाती है, तो जिससे कि मतलब वो जो है वो घिसने लगता है। ऑयल ट्रीटमेंट को बेसिकली आप लोगों को जो है वो कभी भी पुराने इंजन ऑयल के साथ जो है वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मतलब वो जो है वो ख़राब रहता है यार है ना। तो नए इंजन ऑयल के साथ डालो, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा आप लोगों के बाइक में है ना, और मतलब आप लोगों की बाइक को एकदम मक्खन एकदम स्मूथ कर देगा है ना। अब इसको अब जो डालने का जो तरीका होता है ना, वो तरीका बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है ना। अगर आप लोग अगर अपने बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट को अगर डाल रहे हो, तो इसको जो है वो आप लोग इंजन ऑयल के साथ साइमल्टेनियसली इसको जो है वो आप लोग डालो अपने बाइक में। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या काम करते हैं कि बहुत सारे लोग ये काम करते हैं ना कि जैसे बाइक का जो इंजन ऑयल है ना, वो एक बार पहले इंजन ऑयल पहले डाल देते हैं, फिर उसके बाद फिर ऑयल ट्रीटमेंट डाल देते हैं है ना, जो कि मतलब काइंड ऑफ अनऑप्टिमाइज तरीका होता है इसको डालने का है ना, इसको यूज़ करने का, जिससे कि मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है उसका आपको आप लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है कभी कभी। जो सही तरीका होता है ना बेसिकली इसको डालने का, इसको बाइक में यूज़ करने का, वो तरीका ये होता है कि जैसे जैसे आप लोग अपने बाइक में ऑयल ट्रीटमेंट आप लोग गिराते जाओ है ना, मतलब जैसे एक साइड से आप लोग जो है वो ऑयल ट्रीटमेंट डालो
और एक साइड से आप लोग जो है वो इंजन ऑयल डालो, दोनों को ही साइमल्टेनियसली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में डालना है ना, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक में वो जो मिश्रण है ना ऑयल ट्रीटमेंट का और इंजन ऑयल का, वो मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो देखने के लिए मिले है ना, मतलब वो पूरा जो है वो मिक्स हो जाए आपस में, जिससे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्म करे है ना। अलग अलग नहीं डाले, अलग अलग वैसे डालने से बाद में लेते के तो मिक्सचर होना ही होना है, लेकिन अगर आप लोगों को पहले ही अगर उसको साइमल्टेनियसली उसको डाल के अगर मिक्स अगर कर देते हो है ना, तो वो मतलब ज़्यादा सही रहता है ना, रहते देन कि इंजन खुद से ही जो है वो उसको मिक्स कर दे। वैसे वो ले दे कि वो मिक्स तो होना ही होना है, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली डालोगे तो मतलब आप लोगों को जो है वो ज़्यादा बेटर आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि कहीं पर भी ना मतलब इम्बैलेंस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके मिक्सचर में। सो ये तो तरीका हो गया जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी है ना। अगर मिक्सचर अगर इसका अगर एकदम मतलब एकदम बराबर अगर रहेगा तब मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, और स्टार्टिंग से ही है ना कोई मतलब इधर उधर का इम्बैलेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा है ना। सो ये तो मतलब मिक्सचर की बात हो गई कि आप लोगों को कैसे डालना चाहिए। बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं और कौन सा ऑयल ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में डालना चाहिए, मैं कौन सा मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों के बाइक या मोटरसाइकिल के लिए है ना। सो देखो जो इसकी जो बेनिफिट होते हैं ना, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं, फिर मेरी रिकमेंडेशन की बात करेंगे कि कौन सा इंजन ऑयल जो है वो मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं कि मेरा जो है वो क्या रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, कौन सा ऑयल ट्रीटमेंट जो है वो आप लोगों को अपने बाइक में यूज़ करना चाहिए। सो मेरा जो रिकमेंडेशन है ना आप लोगों की मोटरसाइकिल के लिए, वो हमेशा से वो एवरो ही रहेगा है ना। वैसे तो मतलब जितने भी ऑयल ट्रीटमेंट होते हैं वो लगभग सेम परफॉर्म करते हैं है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा बहुत मिनिमल डिफरेंस होता है। लेकिन जो एब्सोल्यूट माइलेज और एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस जो आप लोगों को देता है ना आप लोगों के बाइक में है ना, वो ऑयल ट्रीटमेंट बेसिकली मेरे हिसाब से है एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट। अगर आप लोगों का ऑयल ट्रीटमेंट की कंपनी देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारी कंपनी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन जो एब्रो का है ना वो मतलब मेरे बाइक के लिए ज़्यादा बेटर सूट करता है ना। मतलब उसको डालने के बाद मेरे बाइक से मुझे ज़्यादा बेटर माइलेज देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा बढ़िया जो है वो परफॉर्मेंस मिलती है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से तो वही जो है वो ज़्यादा बेटर है ऑयल ट्रीटमेंट है ना, बाकी किसी और ऑयल ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में है ना। तो ये तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन है। अभी हम लोग चलते हैं कि बेनिफिट पे, कि आईब्रो को ऑयल ट्रीटमेंट डालने से आप लोगों को जो है वो क्या बेनिफिट मिलता है ना, या फिर मतलब ऑयल ट्रीटमेंट का ही यूज़ करने से आप लोगों को जो है वो क्या क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। देखो जो सबसे पहला जो बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना अपने बाइक में, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है माइलेज इंप्रूवमेंट। अब डेफिनेटली अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर अच्छे क्वालिटी का इंजन ऑयल डालोगे तो आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को बेटर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर से अगर आप लोग अगर ऑयल ट्रीटमेंट भी अगर डालते हो ना, तब बेसिकली आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के देखने के लिए मिलता है ना नॉर्मल आप लोगों के माइलेज से। जैसे कि अगर आप लोगों को अपने बाइक से अगर मतलब जैसे मान लो अगर 35-35 का माइलेज अगर मिल रहा है, तो ऑयल ट्रीटमेंट डालने से ही आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं 40-45 तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से पहुंच जाएगा है ना। मतलब इतनी कैपेसिटी होती है ऑयल ट्रीटमेंट की, जैसे कि मतलब आप लोगों की बाइक का जो माइलेज है उसको एकदम बूस्ट उसको जो है वो मिलता है। जो दूसरा जो आप लोगों को जो बेनिफिट देखने के लिए मिलता है ना, वो बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली आप लोगों के बाइक के परफॉर्मेंस में है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑयल ट्रीटमेंट लुब्रिकेशन का काम ही यही होता है कि वो आप लोगों के बाइक में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो ज़्यादा स्मूथ चलती है, और ज़्यादा स्मूथ चलेगी मतलब इसका मतलब तो यही है ना कि आप लोगों के बाइक में से आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा तगड़ी देखने के लिए मिलेगी है ना पहले के कंपैरिजन में। डेफिनेटली अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर थोड़ा सा अगर अच्छा का इंजन ऑयल डालते तो आप लोगों की बाइक जो है वो स्मूथ हो जाती है ना, नो डाउट, लेकिन वो जो स्मूथनेस है वो मतलब धीरे धीरे खोने लगती है, जिससे कि आप लोगों की बाइक जो है वो मतलब परफॉर्मेंस वो जो गेन मिलता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। सो ऑयल ट्रीटमेंट डालने से ये जो चीज़ होती है ना ये मतलब प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, जिससे कि आप लोगों की बाइक का जो इंजन ऑयल है वो मतलब पुराना थोड़ी देर से होता है ना, उतने जल्दी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम नहीं होती है। तो परफॉर्मेंस में आप लोगों को डेफिनेटली इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, परफॉर्मेंस आप लोगों की बाइक की जो है वो लंबी चलेगी, ऐसा आप लोगों को नहीं लगेगा कि आप लोगों की बाइक जो है उसका इंजन ऑयल का जो इफेक्ट है वो कम हो गया है बहुत ज़्यादा जल्दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लंबे समय तक आप लोगों की बाइक जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। इसके अलावा जो आप लोगों को जो और जो बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं ना ऑयल ट्रीटमेंट के, वो बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं बेसिकली, जैसे आप लोगों के बाइक में से कुछ जैसे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप लोगों की बाइक में से वाइब्रेशन की प्रॉब्लम या फिर इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम,
ये प्रॉब्लम भी मतलब ऑयल ट्रीटमेंट डालने के बाद बहुत ज़्यादा ये जो है ये कम हो जाता है ना, जब आप लोग अपने बाइक में जब ऑयल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हो तब, है ना। मतलब डेफिनेटली अगर इंजन अगर स्मूथ चलेगा तो इंजन स्मूथ चलना मतलब वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाना, और अगर वाइब्रेशन ख़त्म हो जाना है ना मतलब डेफिनेटली फ्रिक्शन अगर ख़त्म हो जाएगा आप लोगों के बाइक के इंजन में से, तो आप लोगों की बाइक जो है वो हीट को भी मतलब कम जनरेट करेगी, उतना ज़्यादा जनरेट जो है वो नहीं करेगी। तो ये मतलब काइंड ऑफ बेनिफिट होता है कि आप लोगों की बाइक में से वाइब्रेशन और इंजन हीटिंग की जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाती है, एकदम दूर हो जाती है जब तक इसका असर रहता है तब तक। सो चलो गाइस, आज की ये वाली वीडियो थी बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसका मतलब बेनिफिट क्या क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर मेरे से पूछते रहते कि भाई इसका क्या है, इसका बेनिफिट है, और मतलब इसको जो है वो आप लोगों को यूज़ कैसे करना चाहिए, है ना, क्या क्या बेनिफिट जो है वो आप लोगों को इससे देखने के लिए मिलता है। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट हो कुछ भी लिखने का कमेंट कर रहा हो तो नीचे कमेंट हाउस खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो, मैं मिलता हूं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।